शादी हुई एक महीने बाद जल्दी से अम्मी के पास आया मेरी मदर इन लॉ, अम्मी वो प्रेग्नेंट हो गई राबिया। अरे अम्मी ने कहा बेटा प्रेग्नेंट होगी तो पता लगेगा ना। अच्छा अब जहाँ कुछ हो जाए तो ये क्या किया तुमने, तुमने ये जान के किया है। अरे मैं कहूँ भाई मैं क्यों कुछ जान के करूँगी, क्या मतलब कि अगर मुझे पीरियड से हो जाए डेट आ जाए तो ये कहता था तुमने जान के किया है, तुम प्रेग्नेंट थी और तुम मुझसे झूठ कह रही हो। मैं कहती थी मैं झूठ क्यों कहूंगी। ओके मतलब 6-7-8 महीने तक ऐसे ही चलता रहा, एक साल तक तकरीबन। हाँ उसके बाद उस टाइम एक ड्रामा आता था बहुत मशहूर वाला, किनर वाला, इंडिया का ड्रामा आता था किनर का। अपनी अम्मी को रोज रो के कहता था अपनी अम्मी की टांगों में बैठ के, अम्मी यार व्हाट इज दिस प्रॉब्लम यार, अम्मी ये बच्चा क्यों नहीं दे रही। अरे बोला भाई वो कोई गाय भैंस बकरी थोड़ी है जो तुम्हें बच्चा दे देगी। बस मेरा जल्दी से बच्चा होता है, क्योंकि ये खुद बच्चा था, ये कहता था बस जल्दी से बच्चा हो जाए। तो आपको ये शौक इतना क्यों चढ़ा था, मतलब बताओ। पता नहीं मेरे, यानी बस एक था कि मैं इसको नीचे लेके जाऊं गोद में खिलाऊं। उसके लिए तुमने मुझे मतलब ये क्या भाई, कुत्ता ही पाल लेते, बिल्ली पाल लेते, उसको नीचे ले जाकर खिला लेते। मुझे बहुत शौक था तो इसलिए फिर इसका एक नाम भी हो गया था। मुझे इतनी हंसी आती है। आपने इनको कैसे बताया, कब बताया? मैंने जब 10 महीने, हमारी शादी को 10 महीने हो गए थे, उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मुझे तो यही लगता था कि अभी कहाँ मुश्किल ही होगा, क्योंकि फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने उसको बताया कि ये ऑफिस था, मैंने उसको कॉल की, आई एम प्रेग्नेंट। बोला तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमेशा ऐसे ही बोलती हो। तुमने बहुत जज्बातों से खेला। मैंने बोला नहीं सच, मैं सच बोल रही हूँ। बोला अच्छा ठीक है। फिर जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई तो फिर इसको भरोसा हुआ, हाँ ये अब प्रेग्नेंट। लेकिन तो भी बहुत मुश्किल से दिया इसने मुझे। अरे तो वो मेरे बस में थोड़ी था। हाँ, इडियट, जब टाइम होगा तभी होगा, जब अल्लाह चाहेगा। तो इसकी तबीयत खराब रहती थी, सब कुछ होता था बहुत, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल, फिर भी देखो मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें बेबी दिया। दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप बताओ कोई एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो इस शादी के टाइम में आपको याद है। मैंने इससे लाइफ में एक ख्वाहिश की थी कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है उम्र पे, तो इसने मुझे कहा कि चलेंगे अभी, मैं तुम्हें बहुत अच्छा उम्र करवाऊँगा। उसके बाद इस बात को 6 महीने हो गए थे और ये बात ख़त्म हो गई थी, और एक दिन मैं नमाज़ पढ़ रही थी, इसने मुझे कॉल की, कहा अपना व्हाट्सएप चेक करो। तो मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया, उसके अंदर मेरा वीज़ा आया हुआ था, टिकट्स आए हुए थे, और मैं इतना खुश थी। और इसने मुझे मतलब वो वाला जो वक्त है मैं नहीं भूल सकती। जैसे मैं बच्चे का यकीन नहीं कर रहा था ना, तो ये यकीन नहीं कर रहा था कि मैं ये कर रही थी कि मैं इसको उम्रे पे लेके जा रहा हूं। और इतना अच्छे से इसने मुझे उम्रा कराया। एंड में सो क्या था, एहसास क्या था जब आप वहां पहुंची, व्हाट वाज द फीलिंग? रो रही थी, मैं बता नहीं सकती, आई कांट डिस्क्राइब द वर्ड्स। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने शौहर के साथ चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने इसलिए, क्योंकि पहली बात ये कि जिस तरह मैं चाहती थी कि यार मैं एक अच्छी तरह अपने शौहर के साथ, बहुत उम्रा इंसान कर लेता है, अकेले भी मैं कर सकती थी, ऐसा नहीं था, बट मेरी एक ख्वाहिश थी मैं अपने शौहर के साथ जाऊं और एक अच्छे लंबे टाइम पीरियड के लिए जाऊं ना, 15 दिन 10 दिन के लिए। तो उसके लिए इसको मैनेज करना मुश्किल था, तो मैंने कहा हमारा मुश्किल ही है कि हम कभी साथ जाएँ। और मतलब जब हम लोग गए और हम वहाँ पे एक साथ रहे, हमने उम्रा किया एक साथ, तो वो वाली जो फीलिंग्स है मैं कभी भूल नहीं सकती। फीलिंग क्या थी जब आपने, ऑफ कोर्स जब इंसान अल्लाह के घर पर जाता है वो क्या? मैंने सोचा था जब मैं यहाँ से, जब मैं यहाँ पे, लोग बोलते हैं कि पहली ख्वाहिश होनी चाहिए, क्या जो आप देखोगे वो आप ना, मतलब कि जो आप मांगोगे सबसे पहले देख के वो हो जाएगा, बट ऐसा मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मतलब जब मैं भूल गई थी सब, ये मैं सब इसने दूर से ही देखा ना, खाली झलक ही देखी थी, तो बस इसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और ये बस मुझे जा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं क्या बोलूं। बस मैंने बस ये बोला, अल्लाह मियां आपको तो सब कुछ पता है, आपसे मुझे क्या बोलना है। हाँ। आपको तो सब कुछ पता है ना, उस मतलब उसको क्या बताना जो हमारे दिल में है। Absolutely, उनको तो सब कुछ पता है, तो right. बस। और रैप की सबसे अच्छी बात ये है कि रैप जितना भी क्या नाम है स्टैंड अप, उसमें आ जाए, फैशन में कुछ भी कर ले,
लेकिन ये 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती है माशाल्लाह, और अपना कुरान शरीफ भी पढ़ती है, और मिलाद में हर चीजों में, यानी ये आगे आगे रहती है, ये रहती बहुत अच्छी चीज है। That's very nice. और आपकी हमने सुना है कि आप वीडियो लगाते हो, वीडियो कभी कभी आप उनको एक गाड़ी गिफ्ट करने वाले थे। एक नहीं, मैंने इनको कई गाड़ियां गिफ्ट की है, पूछे कई गाड़ियां गिफ्ट की, वो झूठी बात। अच्छा नहीं रैप, बेबी आपके लिए गाड़ी लाया मैंने, इसको रैप को ऑल्टो दी, ऑल्टो दी थी, वो मुझे पसंद नहीं आई, मैंने तुम्हें वापस करनी आई, ठीक है ना। फिर मैंने इसको भी रिसेंटली सिविक दी, फिर सिविक का इसने एक्सटेंड कर दिया। अभी हम ये वीडियो दिखाते हैं आपके, सिविक दिए मैंने। हां चलो चलो, लेट्स गो एंड सी, लेट्स गो एंड सी को स्नैचिंग। हां हां, बोल में हुआ है मेरे साथ, हम शो करके, मैं शो करके निकली तो रात का वक्त था, कोई 2:30 बज रहे थे। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट किया था, मुझसे एक गलती हुई थी, मैंने ना थोड़ी साइड में रोक कर ना, कॉल आई थी, पता नहीं क्या हुआ था घर से, तो मैं कॉल मतलब स्पीड हल्के कर ली थी, 2:15 पे ना लड़के आए, उन्होंने ऐसे करके जब गाड़ी रोकी मेरी आंखें तेज हुई, मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने एक को यहाँ से गिराया, एक को वहाँ से गिराया, आगे निकल गई। पर हमारे पीछे काफ़ी और भी लोग आ रहे थे, उन्होंने कहा वाह क्या गिराया तुमने बंदों को, मैंने कहा मैंने तो गिरा दिया, अगर वो मुझे लूट लेते मुझे पता लग जाता। लेकिन घर आके डर भी रही थी कि अल्लाह ना करे कुछ हो ना गया, कुछ ना हो गया, मैंने कहा चोर थे क्या हो गया, पर मुझे ये डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि किसी का कोई हाथ टूट गया हो, पैर टूट गया। कभी कभी ये होता है, वो चोर होते भी नहीं है बेचारे, नहीं नहीं वो चोर से बात करने के लिए आए होते, वो चोर गाड़ी रुकी हुई है, इधर हम भी महफूज फील होंगे, जो जिसकी महफूजत में उसी ने गिराते भी निकल गए। नहीं नहीं, पर वो पक्का चोर थे, पक्का चोर, क्योंकि उन्होंने ना जैसे आए ना, उन्होंने या अब अगर बात करने के लिए रुकते तो यहाँ हाथ क्यों लगाते, फोन निकालने के लिए, नहीं नहीं वो पक्के चोर थे, शक्ल से ही चोर लग रहे थे। पेट्रोल का पैसा देने के लिए ये लोग आगे जाकर वीडियो बनाने के लिए रोक रहे हो। नहीं नहीं, मैं कोई इतनी कोई, ये मुझे पता है ये चीजों का क्यों पता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम चैनल पर काम करते हैं, तो काफी कैमरामैन बेचारे ये दो जाते, हर दो बाइक चोर नहीं होता, कुछ दोस्त होते हैं क्योंकि इन सब की छुट्टी भी होती है उसी वक्त, तो ये लोग साथ निकलते हैं, एक एक कर अपने अपने रास्ते पर जा रहे हैं। हम लोग एक साथ ही थे ना, तो मुझे पीछे से हमारे भी चैनल के ही लोग आ रहे थे पीछे, उन्होंने ही बताया कि अगर वो चोर नहीं होते तो वो लोग वहां से नहीं भागते ना, उठ के अपने आप को सेट करते और बोलते यार लड़की हमें मार के चले गई, वो वहां से गायब हो चुके थे। ओके, उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया, तुम रुकी नहीं, मैंने कहा मैं पागल थोड़ी थी, बट मुझे आगे जाके डर भी बहुत लगा था ना पीछे आ जाए। तो ये बताओ, तो ये गाड़ी जब आप देने गए तो आपका क्या एहसास थे? ऐसा साथ बस मेरे यही थे कि मैं यही सोच रहा था कि ये रख ले गाड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं गया, यानी ये अपनी बहन के घर पे थी, तो मैं जब गया इनको कॉल की, तो इन्होंने अपनी भांजी भेजी, वो आई, उसने चाबी ले ली, यानी इन्होंने मेरी वीडियो तो देख चुकी थी, तो उन्होंने चाबी ले ली, तो मैंने कहा उसको भेज दो या उसको बोलो घर चल रहे, कह रही नहीं, बस उन्होंने बोला चाबी देना, गाड़ी रख ली। ये भी मैंने अच्छा ही किया ना, रख ली तो दिल तो नहीं तोड़ा ना, नहीं रखी तो वैसे भी मैं जला देता। कितनी गाड़ियां जलाई ना देते। सबसे महंगा गिफ्ट क्या दिया है आपको? बहुत सारे दिए हैं महंगे, मैं कहती हूँ गिफ्ट महंगा नहीं, उसके दिल में ना अच्छे। रैप को सबसे ज्यादा पसंद पता क्या है रैप, और मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक दो दफा वो लाजमी हो, जो फूल वाले कंगन होते ना रेड वाले, रैप को सबसे ज्यादा वो पसंद है। ओके, और महंगा गिफ्ट तो मैंने इसको ज्वेलरी वगैरह ए टू जेड अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, जो जो उसने मांगा मैंने सब चीज दे दी, जो नहीं भी मांगा वो भी दे दिया। अभी एनिवर्सरी पे भी देना मुझे इंशाल्लाह, रीवो दे देना, भरोसा रखना चाहिए ना। बिल्कुल एब्सोल्युटली, और अब आप लोग भरोसा रखेंगे एक दूसरे के होठों पर, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है मुड़ मुड़ कर ना दे, कभी हम आप लोग के लिए लगा रहे हैं।